पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान के बाद महागठबंधन के अंदर घमासान मच गया है। बता दें कि जीतनराम मांझी ने कहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सरकार गिर जाएगी, जिसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने जीतनराम मांझी पर हमला करते हुए कहा कि कौन क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बौद्धिक बुद्धि पर हमें तरस आता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार पहाड़ की चट्टानों की तरह खड़ी है और पूरी तरीके से काम कर रही है। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चट्टानी एकता के साथ सफलतापूर्वक जनाकांक्षाओं के अनुरूप चल रही है। कोई व्यक्ति क्या बोलता है महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ व्यक्ति अपना इस ढंग से आकलन करते रहते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए कि सरकार अब जाएगी तब जाएगी, वो उनका बौद्धिक विषय है, उस पर हमें टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन सरकार चट्टानी एकता के साथ चल रही है और चलती रहेगी। पूरे देश में कारगिल विजय दिवस में शहीदों को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने वीर शहीदों को याद करते हुए पटना अमर शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तेजस्वी यादव, कई मंत्री और सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। जितना कुछ है तो नहीं उन्हीं के लोग हम लोग कितना गरमाए हैं कि बोलिए, आप जा करके देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी, आजादी की लड़ाई में हुआ। अरे जी के नीचे कर लोगों, बिहारी वाजपेयी जी तो थे वो ठीक करते थे, अभी आ गया है तभी से कई साल से तीनों का हो गया है। आज के एक राज्य में फिर यहाँ 9 साल से दसवा चल रहा है, तीनों का एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, नहीं बदलना चाह रहे इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इतना पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा, वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ। देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए, अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 5 स्कोप ऐप। पूरे देश में कारगिल विजय दिवस में शहीदों को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने वीर शहीदों को याद करते हुए पटना अमर शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तेजस्वी यादव, कई मंत्री और सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। जितना चीज है तो नहीं उन्हीं के लोग हम लोग कितना गरमाए हैं कि बोलिए, आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी, आजादी की लड़ाई में हुआ। अरे जी के नीचे कर लोगों, बिहारी वाजपेयी जी तो थे वो ठीक करते थे, अभी आ गया है तभी से कई साल से तीनों का हो गया है, आज के एक राज्य में फिर यहाँ 9 साल से दसवा चल रहा है, तीनों का एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, नहीं बदलना चाह रहे इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इतना पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा, वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ। देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए, अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा।